सीएम राइज प्रशिक्षण कार्यक्रम, घर सीखने का संसाधन, कोर्स एक हम और हमारा समाज, प्रश्नोत्तरी। महामारी की वर्तमान स्थिति में सभी बच्चों की शिक्षा किस प्रकार जारी रखी जा सकती है? एक, बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। दो, ऐसे समय में बच्चों की पढ़ाई का दायित्व अभिभावकों पर होना चाहिए। तीन, बच्चों को घरेलू परिवेश में रहते हुए उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। चार, सभी बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षकों को उन्हें निरंतर ऑनलाइन सामग्री भेजते रहनी चाहिए। सही उत्तर है तीन, बच्चों को घरेलू परिवेश में रहते हुए उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। घर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के सीखने की यात्रा के लिए कराई जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित में से किन पर आधारित होनी चाहिए? एक, बच्चों की उम्र के आधार पर। दो, बच्चों के परिवेश के अनुकूल। तीन, अभिभावकों की उपलब्धता। चार, स्मार्टफोन की उपलब्धता। दो और तीन, एक और दो। तीन और चार, एक और चार। सही उत्तर है दो और तीन। शिक्षक को बच्चों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। हाँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ स्वयं ही भावनाओं को समझना सीख जाते हैं। प्रश्न का सही उत्तर में हाँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, सीमा मैडम ने बच्चों को कुछ 8 भिन्न के प्रश्न हल करने को दिए और बच्चों को वे निर्धारित समय में हल करके देने थे। बच्चों का काम जांचते समय सीमा मैडम ने पाया कि सुनीता 8 में से 4 प्रश्न ही कर पाई। सुनीता को उसके कार्य पर फीडबैक देते हुए इनमें से कौन सा विकल्प सीमा मैडम को अपनाना चाहिए? तुम जितनी फुर्ती से दौड़ती हो अगर उतनी ही फुर्ती से गणित के प्रश्न हल करो तो अच्छा होगा। तुमने इस बार 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और पिछली बार 1 का दिया था। इसमें तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं, तुम इससे बेहतर कर सकती हो। तुमने 8 में से सिर्फ 4 प्रश्न किए, बाकी सभी ने कम से कम 6 प्रश्न किए। प्रश्न का सही उत्तर है, तुमने इस बार 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और पिछली बार 1 का दिया था। इसमें तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। घर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया हेतु कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। इन चरणों का सही क्रम चुने। एक, गतिविधियों का चयन करेंगे। दो, बच्चों की पारिवारिक जानकारी इकट्ठा। तीन, बच्चों के साथ गतिविधि साझा करेंगे। चार, बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। पांच, बच्चों द्वारा की गई गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। दो चार एक तीन पांच, चार एक दो तीन पांच, एक दो तीन चार पांच, दो एक चार तीन पांच। सही उत्तर है दो चार एक तीन पांच। ऊपर दिए गए चित्र में मनीष जी काफी चिंतित हैं। यदि आपको उनसे चर्चा करनी हो तो उनकी समस्या के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? एक, उन्हें बताएंगे कि घर पर रहते हुए बच्चे अपने परिवेश से और घर के सदस्यों माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने के लिए हमेशा फोन की आवश्यकता नहीं होती है। दो, उन्हें समझाएंगे कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को एक और फोन उपलब्ध करवाना चाहिए। तीन, उन्हें समझाएंगे कि घर के अंदर खेलना भी सीखने का एक बहुत उपयोगी माध्यम हो सकता है और उसे बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाने के तरीके बताएंगे। चार, बच्चों के लिए घर पर एक ऐसा अनुशासित माहौल बनाएं जिससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे और खेल में वे ज्यादा समय न व्यतीत करें। एक और चार, दो और तीन, एक और तीन, दो और चार।
सही उत्तर है 1 और 3।